नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज बिहार के कई नेता दिल्ली गए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए हैं। मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, इन सभी बातों को लेकर नीतीश कुमार ने सीधे सीधे सारी बातें को सामने रखी। आपको बता दे, जातिगत जनगणना को लेकर जो मामला चल रहा था, उस मामले को लेकर नीतीश कुमार आज दिल्ली गए थे। बिहार का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली गया था, 10 नेताओं की टीम थी और वहां प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए वो लोग गए थे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि चर्चा हो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारी बातों को क्लियर किया है कि उस चर्चा में कौन कौन सी बातें हुई है। सबसे पहले आपको बता दें, नीतीश कुमार ने जब मुलाकातें उनसे की तो जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी और नीतीश कुमार ने अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराने की बात कही थी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से समय दे दिया गया था और आज का समय ऐलान किया गया था, आज का समय फिक्स हुआ था और आज मुलाकात भी हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुलाकात में हम लोग जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है और उस बातचीत में कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बातचीत के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को हम लोगों ने बिहार के जो नेता हैं, नेता विरोधी दल, नेता विपक्ष के सभी लोग वहां पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी से इस बात का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने हामी भरी है और कहा है कि हम लोग विचार करेंगे और सकारात्मक विचार करेंगे। इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी अब कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बात को लेकर अब केंद्र सरकार जब उनकी बातें मान चुकी है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जीत तय मानी जानी चाहिए। और एक बार फिर से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, ये मामला अब सलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जातीय जनगणना को लेकर लगातार तेजस्वी यादव भी कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए और इससे पता चल पाएगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है, कौन से जाति का किस स्तर पर विकास हो रहा है, कौन अभी तक पिछड़ा है। लेकिन आने वाले समय में अब जातीय जनगणना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और जातीय जनगणना हो भी जाए तो उसका क्या प्रभाव निकलकर सामने आता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की जो दूरियां थी, अब प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये दूरियां कम होती हुई नजर आ रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।